हेलो 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 गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बच्चे जैसे भी मॉर्निंग की क्लास लगाया करेंगे जैसे पहले लगाते थे ठीक है ओके सर हाँ वो थोड़ी सी कई बार मिस हो जाती है आफ्टरनून में फिर मुझे रिकॉर्ड करके जानी पड़ती है <coughs> तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं टॉपिक नेम है हमारा टॉपिक नेम है लेक्चर नंबर हमारा बच्चे ये सिक्स्थ है थर्मोडायनामिक पे थर्मोडाइनामिक्स का लेक्चर नंबर सिक्स है हमारा टॉपिक है बच्चे हीट इंजन हीट इंजिन। हीट इंजन। इंजन क्या होता है बच्चे हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है ये डोर बंद करना हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है लो, जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपको पता है हीट इंजन क्या करता है हीट इंजन लिख लो इसको हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी जो डिवाइस जो इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसे हम हीट इंजन बोलते हैं ठीक है बच्चे yes. इसके अंदर क्या होता है हीट इंजन के अंदर यहां पर होता है वर्किंग सब्सटेंस। ये होता है सोर्स यहां से इंजन हीट लेता है जिसका टेम्परेचर T1 है यहां से इंजन ने हीट ली Q1 और हीट लेने के बाद इंजन वर्क करेगा उसी हीट से बच्चे वर्क करने के बाद जो हीट बच जाएगी वो सिंक के अंदर चली जाएगी जो हीट बच जाएगी वो वेस्ट ऑफ हीट वो कहा चली जाएगी सिंक के अंदर चली जाएगी सिंक वो होता है जहां पर टेम्परेचर जिसका कम होता है सोर्स वो होता है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है इंजन हमेशा क्या करेगा सिंक सोर्स से हीट लेगा और सिंक में हीट छोड़ेगा तो वर्क कितना होगा बच्चे कितना वर्क करेगा कितनी हीट ली इंजन ने क्यू वन कितनी रिजेक्ट कर दी Q2. तो वर्क क्या हो गया क्यू वन माइनस क्यू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू वन इज इक्वल टू वर्क प्लस क्यू टू ये इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं तो आगे लिख लो इन एवरी हीट इंजन इन यहां पर टी वन टी टू से बड़ा लिख लेना इन एवरी हीट इंजन हरेक हीट इंजन में द Working substance absorb some heat, the working substance absorb some heat one from a source temperature. सोर्स टेम्परेचर टी वन कन्वर्ट्स कन्वर्ट्स अ पार्ट ऑफ इट हेलो त्रिपत हेलो त्रिपत

ठीक है ऑनलाइन को अलग किया तो फिर मैंने इलेवन थर्टी बैच रख दिया तो इंस्टीट्यूट में कभी कोई आ जाता है तो मिस हो जाती है फिर मुझे रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है लेक्चर इसलिए फिर मैं आपका पहले वाला ही टाइम कर रहा हूँ मॉर्निंग वाला आपके पास ऑप्शन जरूर है अगर आप इवनिंग टाइम रखना चाहते हो या किसी दिन नहीं लग पा वैसे तो मॉर्निंग हमारी रेगुलर लगती है अगर किसी दिन नहीं लग पाती तो हम सात बजे के बाद रखेंगे उस दिन ठीक है ना बीच में फिर इंस्टीट्यूट के वर्किंग होता है वर्किंग आवर्स होते हैं तो अगर कभी कोई दिक्कत आती है या तुम्हें कोई एक्स्ट्रा क्लास चाहिए या तुम्हें डाउट क्लास चाहिए कुछ भी तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास चा, चाहिए ना तो वो सेवन ओ क्लॉक के बाद इवनिंग के बाद ही वो करेगी दस से सात के बजे के बीच में कोई क्लास नहीं होनी ठीक है आगे से ओके okay, सर हाँ बस ये रखेंगे शेड्यूल मॉर्निंग खत्म कर देंगे या इवनिंग वैसे तो ट्राई करेंगे मॉर्निंग ही किया करेंगे हम कन्वर्ट्स अ पार्ट ऑफ मैं आपको ना आज टॉपिक करा रहा हूँ थेरेटिकल टॉपिक है लेक्चर सिक्स नंबर है थर्मोडायनामिक का पांच लेक्चर मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए रिकॉर्डेड भी आपको भेज दिए होप आपने सभी लेक्चर अटेंड किए होंगे और थर्मोडायनामिक के पहले पांच लेक्चर आपको आते हैं अब हमारे दो से तीन लेक्चर ऑलमोस्ट रह गए जिसके अंदर हमारा पूरा थर्मोडायनामिक खत्म हो जाएगा जिसके बाद अब हमारा टॉपिक है हीट इंजन हीट इंजन क्या होता है हीट इंजन बच्चे एक ऐसी डिवाइस है ऐसा इंजन है जो हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है हीट इंजन के अंदर तीन पार्ट होते हैं एक सोर्स होता है बच्चे और एक सिंक होता है और एक वर्किंग सब्सटेंस होता है वर्किंग सब्सटेंस इंजन का मेन पार्ट हीट जहां से हीट लेता है जहां से हीट लेगा उसको बोलेंगे सोर्स और हीट लेने के बाद ये वर्किंग सब्सटेंस जो भी गैस वगैरह होगी इंजन के अंदर वो काम करेगी काम करने के बाद बची हीट को जो बाहर छोड़ देगा उसको बोलेंगे सिंक सोर्स का टेम्परेचर हमेशा सिंक से ज्यादा होता है मान लो इस इंजन ने इस वर्किंग सब्सटेंस ने हीट ली क्यू वन क्यू वन हीट ली और रिजेक्ट कितनी कर दी जो बच गई हीट के, तो वर्क क्या होगा? के, के ये हमारे पास वर्क होगा इन एवरी हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस सम हीट क्यू वन फ्रॉम अ सोर्स हर एक हीट इंजन वर्किंग सब्सटेंस जो है हीट एब्सोर्व करेगा क्यू वन कहां से बचे सोर्स से कन्वर्ट्स अ पार्ट ऑफ इट इनटू अ वर्क और इसमें से कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा एंड द रेस्ट जो बच गई क्यू टू इज रिजेक्टेड टू द सिंक जो बच गई वो सिंक के अंदर रिजेक्ट हो जाएगी एट टेम्परेचर टी टू यहां तक देख लो कोई डाउट तो नहीं है आपको अब ये कितनी परसेंट हमें आउटपुट मिली द एफिशिएंसी द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेटवर्क डन पर साइकल बाय द इंजन टू द टोटल वर्क डन टोटल वर्क डन पर साइकल बाय द ओहो मिनट नेट वर्क डन पर साइकिल बाय द इंजन टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट ये कैंसिल कर दो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड पर साइकिल बाय द वर्किंग सब्सटेंस

एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन जो एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है कितनी एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा था इंजन क्यू वन क्यू वन तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया टोटल वर्क डन अपॉन एब्जॉर्ब एनर्जी कितना वर्क किया W कितनी हीट एब्सॉर्व की Q1 इसकी रेशियो को बोल देते हैं एफिशिएंसी वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बच्चे Q1 Q2 अपॉन Q1 तो मैं इसको लिख लेता हूं वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन यहां तक देखना बच्चों इतना क्लियर आपको yes, sir. इसके बाद अगर मैं आगे आपसे बात करूं बच्चों इसी के अंदर अगर मैं आपको ये बात करूं कि सिंक के अंदर कोई हीट ना जाए क्यू टू जीरो हो जाए अगर सिंक के अंदर कोई हीट नहीं जाएगी तो क्यू टू जीरो एफिशिएंसी कितनी आ गई वन और हंड्रेड परसेंट वन और हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी कभी भी किसी भी चीज की हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी नॉट पॉसिबल ये कभी भी पॉसिबल नहीं होती बिकॉज कभी भी सिंक की हीट कभी जीरो नहीं होगी तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन लिख लो इसको ये हमारा अभी थ्रेटिकल चलेगा दो दिन ऑलमोस्ट थर्मोडाइनामिक का ये पार्ट रब कर दू इसको अगर आपने नोट कर लिया यहां तक यस yes, सर इसको रब कर रहा हूं मैं आगे लिखो टाइप्स ऑफ हीट इंजन हीट इंजन कितने टाइप के होते हैं बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन फर्स्ट एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड In which heat is produced by burning the fuel in a chamber, burning the fuel in a chamber outside the main body. बच्चे हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द फ्यूल इन चैम्बर आउटसाइड द मेन बोर्ड यानी जहां पर मेन वर्क होता है हीट उसके बाहर प्रोड्यूस होती है एग्जांपल स्टीम इंजन ये स्टीम इंजन में ऐसा होता है बच्चे दूसरा है इंटरनल कंबस्टन इंजन इंटरनल कंबस्टन इंजन इंटरनल कंबस्टन इंजन क्या होता है इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द फ्यूल Inside the main body, burning the fuel inside the main body of the engine. Example petrol engine and diesel engine. बच्चे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के अंदर जो बर्निंग होती है हीट प्रोड्यूस होती है मेन बॉडी के अंदर होती है इंजन के लेकिन एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के अंदर हीट जो प्रोड्यूस होती है वो मेन बॉडी के बाहर होती है कोई डाउट है यहां तक नो no, सर ओके बच्चे मैं इसको रब कर रहा हूं अगर आपने नोट कर लिया कई बार रह जाता है तो स्क्रीन ले लिया करो फटाफट अगला है बच्चे हमारा टॉपिक हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर इट्स जस्ट ऑपोजिट टू द हीट इंजन बच्चे रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट इंजन के जस्ट ऑपोजिट है अब आप मुझे ये बता दोगे हीट इंजन क्या करता था यह वर्किंग सब्सटेंस था हीट इंजन का काम क्या होता था हीट को आ, हीट एनर्जी को ऑब्जर्व हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और बेस्टेज हीट को सिंक में डालना हाँ हीट इंजन का काम था सोर्स से हीट को लेना लेकिन रेफ्रिजरेटर बिल्कुल उल्टा काम करेगा वो सिंक से हीट को लेगा बच्चे जिसका टेम्परेचर कम होगा वहां से हीट लेगा वो जो हीट उसने ली हीट लेने के बाद वो सिंक सोर्स के अंदर हीट छोड़ेगा वन तो इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा बच्चे कभी भी स... लो टेम्परेचर से हम वर्क नहीं कर सकते लो टेम्परेचर से हम हीट नहीं ले सकते अब लो टेम्परेचर से हमने हीट लेनी है तो हमें उससे वर्क करना पड़ेगा आपको पता है जो रेफ्रिजरेटर होता है जब हम रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस डालते हैं तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है हीट एक्सट्रैक्ट करता है अब रेफ्रिजरेटर ऐसा तो है नहीं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने गैस डाल दी और रेफ्रिजरेटर चलने लग जाएगा होता है क्या नहीं ऐसा तो नहीं होता अपने आप तो नहीं चलता गैस से तो नहीं चलता आपको बाहर एक्सटर्नल मतलब इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है तभी जाकर वो चलता है इसीलिए यानी कहने का मतलब जब ये सिंक से हीट लेता है इस, इस पर हमें वर्क करना पड़ता है जब हम वर्क करेंगे यस बच्चों, जब हम वर्क करेंगे यहां पर यहां पर हमने वर्क किया यहां देखो ध्यान से वर्क किया वर्किंग सब्सटेंस में और वर्किंग सब्सटेंस ने हीट भी ली क्यों किसके बराबर हुआ Q1 के बराबर ये देखना ये स्टेप आपको क्लियर है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है तो वर्क कितना हो गया क्यू वन माइनस क्यू टू एनी डाउट सर लेकिन यहाँ पे हमें हम, हम क्यू टू क्यों लिखेंगे सर पहले लेकिन सिंक में क्यू वन भी तो हो सकती है क्योंकि शुरू में तो क्यू वन ही होनी चाहिए हीटू. नहीं बच्चे पहली बात तो ये बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है हीट इंजन ऑपोजिट काम करने का मतलब ये है ये सिंक से हीट लेगा सिंक से हीट इसने एब्जॉर्व करनी है क्यू वर्किंग सब्सटेंस ने सिंक से हीट एब्जॉर्व की क्यू हमने वो वन भी तो ऑब्जर्व कर सकते हैं सिंक से नहीं वो तो हमने नाम दिया हुआ है ना पिछले वाले को ओके. इससे कंपैरिजन कर रहे हैं फिर उसमें में कंफ्यूज हो जाओगे आप ओके सर तो वो इसका तो कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ हाँ ये तो नाम दिया है नाम ए बी सी तो कुछ भी दे सकते हैं है, बच्चे उसकी कोई दिक्कत नहीं है बट कहने का मतलब ये ये सिंक से हीट लेता है मैंने सिंक से हीट को क्यू नाम दिया हुआ था पहले ठीक है अब बच्चे इसके yes. अंदर हमारे पास देखो क्या होता है ये आपको सारी चीज क्लियर होगी यहां तक हां जी यहाँ yes, यहाँ तक क्लियर होगी ओके okay. अब बच्चे आगे लिखो इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं इसको रब कर रहा हूं मैं हां जी रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर इज एन Apparatus which takes heat, which takes heat from a cold body, work which takes heat from a cold body, work is done on it, and the work done. टूगेदर विद द हीट एब्सॉर्ब इज रिजेक्टेड टू द सोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं जो हीट एब्सॉर्व करेगा वो सोर्स के अंदर रिजेक्ट करेगा रेफ्रिजरेटर इसके अंदर बच्चे एफिशियंसी नहीं होती इसके अंदर होता है कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्योंकि यहां पर तो हमने काम किया बच्चे इसकी एफिशिएंसी नहीं देखेंगे रेफ्रिजरेटर में हमने काम किया तो इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे एफिशिएंसी तो उसकी देखते हैं जो काम करता है यहां पर तो हमने काम किया रेफ्रिजरेटर के लिए ए ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूवड कितनी हीट रिमूव हुई पर साइकिल केवटू टू वर्क डन ऑन द वर्किंग सबस्टांस पर साइकिल टू रिमूव दिस हीट बच्चे हमने कितनी हीट रिमूव की थी क्यू टू उस क्यों टू हीट को रिमूव करने के लिए एक साइकिल के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा था बच्चे डब्ल्यू क्यू टू अपॉन क्यू वन माइनस क्यू टू दिस इज द कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द रेफ्रिजरेटर अगर हम वर्क डन जीरो कर देंगे काम ही ना कोई करें वर्क डन जीरो कर देंगे बिट्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट अनडिफाइंड नॉट पॉसिबल जो कि पॉसिबल नहीं है विच मीन्स विच मीन्स वर्क विच मीन विदाउट वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेफ्रिजरेटर परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर परफॉर्मेंस बिकम्स मैक्सिमम और फॉर्म आइस हर एक चीज को आइस ही बना देगा फिर यस yes, बच्चे ये नोट कर लिया आपने यहाँ तक देख लो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो ये रिपीट करना दोबारा से विच मीन्स Which means विदाउट वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम वर्क नहीं करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं देंगे रेफ्रिजरेटर परफॉर्मेंस बिकम्स मैक्सिमम रेफ्रिजरेटर परफॉर्मेंस मैक्सिमम होगी ना infinity हो गई विच मीन्स फॉर्म आइस हर एक चीज को वो आइस ही बना देगा वो गैस जो होती है ना उसके अंदर वो आइस बना देती है हर एक चीज को फिर कूलिंग गैस जो होती है मैं रब कर रहा हूं इसको अब बच्चे हमने हीट इंजन पढ़ लिया और रेफ्रिजरेटर पढ़ लिया ठीक है अब हमने हीट इंजन पढ़ लिया एंड रेफ्रिजरेटर पढ़ लिया अब बच्चे जो हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर है इसके अंदर इसके लिए कुछ लॉज बनाए गए कौन कौन से लोज हैं देखो जो मतलब रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं हो सकता आपको याद है बच्चे रेफ्रिजरेटर के अंदर बिट्टा क्या नहीं हो सकता इनफाइनाइट नॉट पॉसिबल और हीट पंप के अंदर क्या नहीं पॉसिबल था हीट इंजन के अंदर अफिशेटिव, उू टू जीरो पॉसिबल नहीं था ना यस एफिशिएंसी वन एफिशियन नॉट पॉसिबल हंड्रेड परसेंट नॉट पॉसिबल इसको देखकर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बना मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक करवा दिया था इससे ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बना तो लिखो अकॉर्डिंग टू एफ एल टी डी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक देयर कैन बी अट इंजन फर्स्ट लॉ तो कहता है हीट इंजन विद हंड्रेड परसेंट एफिशेंसी एंड देयर कैन बी हीट पंप और रेफ्रिजरेटर विद इनफाइनाइट कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस विच इज अगेन नॉट पॉसिबल इन द रियल लाइफ जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है नॉट पॉसिबल इन द रियल लाइफ दैट्स वाय दैट्स वाई वी हैव सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इसलिए बच्चे हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक पढ़ना पड़ा देयर आर टू स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक की टू स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट है कैलविन प्लैंक स्टेटमेंट यहां तक लिख लो बच्चे फटाफट फिर है फर्स्ट स्टेटमेंट कैन कैलविन प्लैंक स्टेटमेंट जल्दी लिखो Okay, yes, तो लिखो आगे मैंने आप तक आपको अभी तक ये समझाया है कि हमें हमने देखा हीट इंजन के अंदर एफिशिएंसी नहीं हो सकती और रेफ्रिजरेटर के अंदर कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया उसने तो ये कहा था जितनी हीट दोगे उतना काम होगा इसलिए ये चीजें कॉन्ट्रेक्ट

इसने हीट इंजन के लिए क्या कहना था बच्चे ओब्वियसली यही कहना था कि कोई भी एक ऐसा इंजन नहीं हो सकता जो 100% परसेंट हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके कुछ ना कुछ हीट किस में रिजेक्ट होगी बच्चे सिंक में रिजेक्ट होगी तो लिखो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वी कैन नॉट डिजाइन हीट इंजन विद हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी विद हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी और हंड्रेड परसेंट कन्वर्जन ऑफ हीट इंटू मैकेनिकल वर्क इज नॉट पॉसिबल ये कैलविन की स्टेटमेंट है दूसरे ने बनाई स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर के लिए बच्चे रेफ्रिजरेटर के लिए क्या बनाएगा वो भी आपको पता है उस स्टेटमेंट को नाम दिया गया क्लॉसियस स्टेटमेंट मैं इसको रब कर रहा हूं इसको रब कर रहा हूं बच्चे मैं लिखो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्लॉसियस स्टेटमेंट क्लॉसिय स्टेटमेंट में देअर कैन नॉट देयर कैन नॉट बी हीट पंप और रेफ्रिजरेटर विद विद इनफाइनाइट कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस और हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट मकेनिकल वर्क इनपुट विदाउट मैकेनिकल वर्क इनपुट लिख लो बच्चे फटाफट इसको हाँ जी यहाँ तक क्लियर इतना yes, sir. ओके बच्चों इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं का है अभी मैंने आपको हीट इंजन के बारे में बताया बच्चों और रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया अब मैं आपको एक स्पेशल हीट इंजन के बारे में बताऊंगा जिसको डिजाइन किया था कार्नोट ने कारनोट एक साइंटिस्ट था जिसने एक इमेजिनरी नॉट रियल इट इज इमेजिनरी हीट इंजन जो उसने कंस्ट्रक्ट किया था उस इमेजिनरी हीट इंजन का नाम है कार्नोट हीट इंजन ठीक है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं कार्नोट हीट इंजन उसने सोचा था एक ऐसा हीट इंजन हम डिजाइन कर सकते हैं तो लिखो कार्नोट हीट इंजन कार्नोट हीट इंजन और कार्नोट साइकल ये फाइव मार्क्स का आपको पेपर में हंड्रेड परसेंट श्योर है आता ही आता है तो लिखो सबसे पहले तो बच्चे कार्नोट डिवाइज डिजाइंड डिजाइंड एन आइडियल Cycle of operation for a heat engine. Ideal cycle, be imaginary. It is a heat engine with maximum efficiency. विद मैक्सिमम efficiency. कंस्ट्रक्शन लिखो बच्चे इसकी ये कैसे बनाया गया कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है बच्चे ये ध्यान से समझ लेना इसको मैं आपको बड़े आराम से करवा रहा हूं ये चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है बच्चे यस yes, बच्चे बच्चे ये एक पिस्टन है ये कंटेनर है इसके अंदर आइडियल गैस डाली हुई है हमने ये मेरे पास आइडियल गैस है ये मेरे पास इंसुलेटेड वॉल्स हैं इंसुलेटेड वॉल्स ये ऐसे वॉल्स हैं इंसुलेटेड यहां पर एक बच्चे मेरे पास है सोर्स जिसका टेम्परेचर टी वन है एक है इंसुलेटिंग पैड एक है सिंक जिसका टेम्परेचर है टी टू यस yes, बच्चों अब क्या होगा देखो ध्यान से समझो मेरी बात बच्चे इसको ध्यान से समझना कि सबसे पहले क्या होगा कि इस पिस्टन को इस कंटेनर को उठा के हमने इस सोर्स के ऊपर रखना है ये जो वॉल है ये कंडक्टिंग वॉल यहां से हीट पास हो जाएगी बच्चे अब जब मैं इस कंटेनर इस पिस्टन को उठा के इस कंटेनर को उठा के इसके पास रखूंगा तो ये हीट इधर से ये हीट लेगा यस yes बच्चो यस और नो यस जब हीट लेगा कौन से टेम्परेचर पर हीट लेगा ये एट टेम्परेचर T1 अब हीट लेने के बाद हमने क्या करना है इस कंटेनर को उठा के इंसुलेटिंग पैड पे रख देना है दोबारा फिर समझो जब हमने इस कंटेनर को सोर्स के ऊपर रखा तो सोर्स से ये T1 टेम्परेचर पर हीट लेगा हीट लेने के बाद ये जो गैस है वो हीट एब्सॉर्व करेगी फिर हमने इसको उठा के कहा रख देना है बच्चे बोलो इंसुलेटिंग पैड इंसुलेटिंग पैड इंसुलेटिंग पैड पे रखने से क्या होगा इसकी ये जो वॉल है कंडक्टिंग ये भी इंसुलेट बन जाएगी इंसुलेट होने के बाद हीट बाहर नहीं जाएगी तो ये वर्क करेगा इसके अंदर एक्सपेंशन होगी बच्चे एक्सपेंशन होने के बाद फिर हम दोबारा इस कंटेनर को उठाएंगे किसके ऊपर रख देंगे सिंक पर तो इससे इसमें सिंक में ये हीट छोड़ेगा छोड़ने के बाद दोबारा फिर हम इसको यहां पर वापिस ले आएंगे तो ये एक राउंड पूरा हो गया राउंड में क्या था बच्चे सबसे पहले तो कंटेनर को उठाया किसके ऊपर रखा सोर्स के ऊपर रखा वहां सोर्स से इसने हीट ली कौन से टेम्परेचर पर टी वन टेम्परेचर पर अब अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये हीट लेता है तो कौन सा प्रोसेस होता है आइसोथर्मल वेरी गुड आइसोथर्मल अब हीट ले रहा है तो इसमें एक्सपेंशन हो रही है तो इसको बोलेंगे बच्चे फर्स्ट प्रोसेस को आइसोथर्मल एक्सपेंशन फिर इसके बाद हमने दूसरा स्टेप क्या किया था इंसुलेटिंग पैड पे रखा हाँ इंसुलेटिंग पैड पे रखा था, हाँ, था यानी ये थर्ड वॉल भी एड uh, मतलब इंसुलेट हो गई तो ये हीट बाहर नहीं जा रही तो कौन सा प्रोसेस होता है एडियाबेटिक एडिया लेकिन गैस मॉलिक्यूल ने हीट अब्सॉर्ब की हुई थी अब्सॉर्ब करने से क्या होती है टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सपेंशन होनी थी इसके अंदर इसके अंदर होएगी एक्सपेंशन तीसरा स्टेप फिर हमने इसको कहां रखा बच्चे सिंक पर सिंक पर रखा तो ये हीट जा रही है सिंक के अंदर कौन से टेंपरेचर पर t2 टेंपरेचर हां बच्चे सर लेकिन हमने तो इसकी वॉल इंसुलेट कर दी थी तो जब अगर हम सिंक पे रखेंगे तो तो फिर हीट ट्रांसफर होनी चाहिए बच्चे बात ये है इंसुलेटिंग पैड से उठा के ही सिंक पे रखेंगे ना ओके सर पहले तो इंसुलेटिंग पैड पे पड़ी थी अब उठा के कहाँ रख दी सर मतलब परमानेंट नहीं होगी ना उसकी तभी, तभी तभी तो हमने इंसुलेटिंग पैड बनाया नहीं तो इसी को इंसुलेट बना देते अब इसको उठा के कहाँ रख दिया सिंक पर तो ये आइसोथर्मली काम करेगा क्योंकि टेम्परेचर T2 है लेकिन अब हीट बाहर निकल रही है तो आइसोथर्मल क्या होगी कंप्रेशन कम्प्रेश। होगी कौन से टेम्परेचर पर बचे T2 टू टी। फिर इसके बाद इसको दोबारा उठा के यहां पर रख दो इंसुलेटिंग पैड पे जब इंसुलेटिंग पैड पे रखोगे इससे हीट बाहर निकली है तो अब ये वॉल फिर एडियाबेटिक हो जाएगी एडियाबेटिक होने के बाद यानी इंसुलेटेड uh, हो जाएगी इंसुलेटेड होने के बाद लेकिन हीट इससे बाहर निकली है तो कौन सी प्रोसेस होगा एडियाबेटिक कंप्रेशन कंप्रेशन वेरी गुड ये चार स्टेप्स होंगे बच्चे इसको लिख लो फटाफट इसके अंदर लिख लो सोर्स क्या होता है विच सप्लाई supply... हीट टू दर्किंग सबस्टांस सोर्स होता है वो जो वर्किंग सबस्टांस को हीट देता है दूसरा लिख लो सिंक सिंक क्या होता है इन विच रिजेक्टेड हीट फ्रॉम वर्किंग सबस्टांस इज सेंट वर्किंग सबस्टांस इज सेंट आगे होता है इंसुलेटिंग पैड इंसुलेटिंग पैड क्या होता है यूज टू मेक यूज टू मेक ऑल वॉल ऑफ द पिस्टन इंसुलेटेड पिस्टन की वॉल्स को इंसुलेट बनाने के लिए हम यूज करते हैं यहां तक देख लो बच्चो आपको इतना क्लियर है सारे स्टेप्स कार नॉट हीट इंजन के बच्चे आपको क्लियर है त्रिपथ ओके okay. अच्छा आपके पास रेफरेंस एक तो एनसीआर की बुक है और कौन सी बुक है आपके पास प्रदीप की है हाँ? ओके त्रिपत आपके पास है और आपके पास है तेजस्वी नो सर अभी लेनी थी सर प्रदीप की ले लो हाँ प्रदीप की बुक आप वो कर लो ले लो उसके अंदर क्या है मैं डेली आपको क्वेश्चन दिया करूंगा एक प्रदीप के अंदर और एक एनसीआर के अंदर प्रदीप के अंदर बेनिफिट ये है टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे एनसीआर के अंदर को टॉपिक के रिलेटेड नहीं मिलते जब हम हाँ तो फिर हम ना प्रदीप के जो एक्सरसाइज हुआ करेगी जैसे उसके अंदर प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है जैसे मैंने एक टॉपिक करवाया मैंने आपको टिक लगा के दे दी भी इतने क्वेश्चन हैं दस हैं पंद्रह हैं बीस हैं ये आप कर लो इसके अंदर मुझसे डाउट पूछ लो आप जो नहीं हुआ ठीक है हम्म कर दूं मैं इसको रब यस yes. अच्छा बच्चों दो मिनट रह गए तो थोड़ा सा मैं ये ना इसकी डेरिवेशन है पूरी इसकी डेरिवेशन मैं आपको कल करवाऊंगा मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कारनोट हीट इंजन के बारे में क्योंकि इसकी अभी डेरिवेशन रहती है पहले तो ये बताओ कारनोट हीट इंजन के अंदर कितने प्रोसेस है so, पहला आइसोथर्मल

adiabatic कंप्रेशन adiabatic कंप्रेशन अब मुझे आइसोथर्मल का वर्कडन लिखवा दो एडियाबैटिक का वर्कडन लिखवा दो एडियाबेटिक का वर्कडन ये करवा दो जल्दी बोलो जल्दी आइसोथर्मल का वर्कडन क्या होता है कौन बताएगा हम्म, का वर्कडन एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन होता है बोलो। yes. और का क्या होता है एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन वन माइनस होता है ये चेक कर लो आप मैंने जो आपको डन करवाए हुए हैं ना उसके अंदर चेक कर लो आप यही है यस yes, सर ओके एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में फर्क क्या होता है ये दो हैं ये कौन सी एडियाबेटिक कौन सी है? बोलो। कौन, कौन आइसोथर्मल है? है? सर जो ज्यादा वाली वो एडियाबेटिक है सर, जो कम वाली है वो आइसोथर्मल है। ठीक है बच्चे अब मैं ना कल आगे करवाऊंगा आपको यहां तक आप नोट कर लो बस ये इतना पार्ट नोट कर लो ये मैंने डायग्राम मैं आगे बनवाऊंगा आपको पूरी कार नोट की और डेरिवेशन करवाऊंगा ये कल का लेक्चर इस पर खत्म हो जाएगा फिर हमारा थर्मोडाइनमिक खत्म हो जाएगा बच्चे प्रदीप की बुक अरेंज कर लेना इधर उधर से कहीं से भी जब मैं आपको डीपीपी सेंड कर दूंगा डीपीपी बनाकर डीपीपी बनाकर ही सेंड कर देता हूँ आपको ठीक है लेकिन आप मुझसे ले लिया करो डीपीपी आप मुझे कह दिया करो ग्रुप में कि डीपीपी सेंड